करण जौहर और शाहरुख खान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, दोनों लगातार इसके बारे में बोलते भी रहते हैं। करण की बनाई लगभग हर फिल्म में शाहरुख का कुछ ना कुछ कैमियो होता ही है। हाल ही में करण जौहर ने एक इंसिडेंट साझा किया है जो उनकी शाहरुख से नजदीकी को दिखाता है। करण ने बताया कि उन्हें जब अंडरवर्ल्ड ने धमकी दी तो शाहरुख ने उन्हें संभाला था और एक बहुत बड़ी बात बोली। ये घटना कुछ कुछ होता है कि प्रीमियर की है। उस समय करण होटल के कमरे में छिपते छिपाते घूम रहे थे। कारण था उनको मिली एक धमकी। उस समय करण की जान को एक अंडरवर्ल्ड डॉन से खतरा था। करण से मिडडे के एक इंटरव्यू में इस घटना के बारे में पूछा गया। करण ने कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि शाहरुख ने मुझे कैसे बाहर निकाला। शाहरुख ने कहा, मैं तुम्हारे लिए गोली खाऊंगा, तुम यहीं खड़े रहो। तब मुझे एहसास हुआ कि ये एक ऐसा रिश्ता है जो हमेशा के लिए। करण ने इस बात में अपनी आत्मकथा एन अनसुटेबल बाय में लिखा था, फ़ोन की घंटी बजी, मेरी माँ ने फ़ोन उठाया और ये अंडरवर्ल्ड से कॉल थी। एक आदमी की आवाज़ आई, आपके बेटे ने लाल टी शर्ट पहनी, मैं उसे अभी देख सकता हूँ और अगर आप इस फिल्म को शुक्रवार को रिलीज़ करेंगे तो हम उसे गोली मार देंगे। किसी कारण से वे नहीं चाहते थे कि फिल्म उस शुक्रवार को रिलीज़ हो। हमें नहीं पता क्यों, ये अबू सलेम का फ़ोन था और मेरी माँ डर से कांप रही थी। उन्होंने फ़ोन रख दिया और दरवाजे की ओर भागी। इस पर करण ने शाहरुख के रिएक्शन को जोड़ते हुए बताया, शाहरुख ने कहा, क्या बकवास है, वो अंदर गए और मुझे बाहर खींच लिया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, देखते हैं तुम्हें कौन गोली मारता है। मैंने कहा, नहीं नहीं, वो मेरी माँ है। उन्होंने मेरी माँ से कहा, कुछ नहीं होने वाला, मैं एक पठान हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा और आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो मेरे भाई जैसा है, कुछ नहीं होने वाला। कुछ समय पहले डायरेक्टर संजय गुप्ता ने शाहरुख खान के बारे में कहा था कि अंडरवर्ल्ड के सामने किसी भी कीमत पर उन्होंने घुटने नहीं टेके। संजय ने सोशल मीडिया पर लिखा, 90 के दशक में जब फिल्मी सितारों पर अंडरवर्ल्ड की दादागिरी चरम पर थी तो शाहरुख एकमात्र ऐसे सितारे थे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, गोली मारनी है मार दो, पर तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा, मैं पठान हूं, वो आज भी ऐसे ही है। खैर, इस वक्त शाहरुख की जवान बम्पर कमाई कर रही है, पठान ने भी बढ़िया पैसे कमाए थे, डंकी भी इसी साल रिलीज होनी है, ऐसे में शाहरुख को लेकर बस लगातार बना हुआ। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई हमारे साथी अभिनव ने। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मदद के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा, फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा लल्लन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।